राजपूत समाज के नेता और करणी सेना के पदाधिकारी कहें या फिर करणी सेना के वरिष्ठ महिपाल सिंह मकराना का एक बयान आता है, जो बयान सुर्खियों में बना हुआ है। उनका कहना है कि जिस तरह से गायों को गौ माता माना जाता है, लेकिन जिस भाजपा गायों के नाम पर राजनीति करती है और 250 करोड़ का चंदा और आज 1 लाख के करीब गाय कटवाई होगी। राजपूत समाज से जुड़े लोग हमारे बीच है, करणी सेना के पदाधिकारी है, जिनसे बात करेंगे इस बयान पर क्या सोचते हैं। महिपाल सिंह जी मकराना का बयान है, गुजरात में उस एक सभा के दौरान यह बयान आता और आज उस बयान की चर्चा बनी हुई। आप क्या सोचते हैं राजपूत समाज से और एक करणी सेना के पदाधिकारी के नाम? सर, हम ये सोचते हैं कि जो पार्टी राष्ट्र हित की बात करती हो, भगवा ध्वज की बात करती हो, हिंदुत्व की बात करती हो और गौ माता के नाम पे राजनीति करती हो, अगर वो पार्टी 250 करोड़ रुपए गायों को काटने वाले से चंदा लेती है तो सबसे पहले तो ये गौर निंदा वाली बात है। और जो पार्टी श्री राम के नाम पे राजनीति करती हो, वो अगर गायों काटने वाले से चंदा लेगी तो कहीं ना कहीं मन में बहुत बड़ी पीड़ा है और विडंबना है कि जो देश हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, वो लोग ही अगर इस प्रकार से गायें काटने वालों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेते, ये मतलब एक आहत होने वाली बात है। हर हिंदुत्व को आहत होने वाला, हर व्यक्ति इस बात से आहत है। इन दिनों मकराना साहब का एक बयान पहले प्रताप सिंह खाचरियावास को पक्ष में उन्होंने दिया था, दूसरी तरफ उन्होंने लगातार बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं। वो जी मकराना साहब राजपूत समाज का नेतृत्व करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो राजपूत की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे और जो समाज का नेता होगा, अच्छा नेता होगा, उसका सपोर्ट करेंगे। और स्वाभिमान की बात आएगी तो जिस पार्टी का विरोध करना होगा तो हम विरोध भी करेंगे। आप बताएं, जिस तरह से महिपाल सिंह जी मकराना का बयान जो आज भी सुर्खियों में, आप क्या सोचते हैं उसके नाते कि एक तरफ वो कहते हैं कि पहले बीजेपी के विपक्ष में खुलकर बोलते हैं, अब उनका ये बयान? मैं महिपाल सिंह जी मकराना के बयान की और पूरे हिंदुस्तान में आज इलेक्ट्रोल बोर्ड का जो पर्दाफाश हुआ है उसमें बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी एक तरफ धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है लोगों को। आज जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपको घर में रहने नहीं देंगे, तो बीजेपी की क्या है, ये पूरी प्लानिंग है। बीजेपी का काम है कि लोगों के अंदर भय पैदा करना, कि लोग यूँ सोचे, लोग 60 साल पहले भी तो हिंदू मुसलमान सब साथ रह रहे थे, आज इनके पास ऐसी नौबत क्यों आ गई कि ये ऐसा कहने लगे भाई तुम्हारा भविष्य खतरे में, बाल बच्चों को उठा के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ऐसी नौबत क्यों आ गई बीजेपी को करने की। और गोमांस वाली बात कंपनी में बताऊँ, 2019 में इन्होंने एलाना ग्रुप करके एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है उससे चंदा लिया था। ये इलेक्ट्रोल बोर्ड में तो अभी आया, उसकी अलाना ग्रीन एनर्जी, अलाना कोल्ड स्टोरेज, इस नाम के करीब यूँ मान के चलो 250 करोड़ तो अभी अब डाटा पूरा मिला नहीं है, उससे भी ज़्यादा इन्होंने चंदा लिया है उस कंपनी से। और मैं बता दूँ, मोदी जी के बाद हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में दूसरा देश बन गया है जो सबसे ज़्यादा गोमांस और ये बीफ एक्सपोर्ट करने वाला, हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यह आम आदमी को पता नहीं है। आप एक तरफ कहते हो गौ माता है, ये है, तो इससे आपको सबको ये पता पड़ रहा है कि भाई ओरिजिनल में बीजेपी क्या काम कर रही है। मोदी जी राम मंदिर पे बात करते हैं, गौ माता पे बात करते हैं, फिर एक तरफ आपका नेता का बयान आता है। मैं अब राम मंदिर का मुद्दा की बात कर रहा हूँ, राम मंदिर के वहाँ पर जो 5000 साल से हमारी कम्युनिटी के जो लोग रह रहे हैं वहाँ के, उन्होंने सिर पर पगड़ी और चप्पल छोड़ रखे थे, उनको राम मंदिर के जो ट्रस्ट बनी उसके अंदर कमेटी में भी नहीं लिया इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने उस वहाँ के जन्मभूमि, वहाँ के रहने वाले राजपूत लोग हैं, उनको इन्होंने उसमें नहीं लिया। इनका राम ये जो मंदिर बना इसमें इन्होंने अरबों रुपए, मतलब उसका जो इंटरेस्ट आ रहा उससे ही मंदिर बन गया, इतना पैसा इन्होंने। आज उसकी जाँच करी जाए तो वो अरबों रुपये इनके पास पड़ा है। आप बताएं क्या सोचते हैं, जिस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं, एक तरफ भाजपा राम मंदिर की बात करती है, गायों की बात करती है, दूसरी तरफ महिपाल सिंह मकराना का बयान आता है। भाई गाय को हम माता मानते हैं तो उसके खिलाफ जो भी होगा फिर वो, इसलिए हम महिपाल मकराना जी के साथ में हैं। आप बताओ, देखिए और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। जिस तरह से लगातार चुनाव हुए हाल ही में, लगातार राजपूत समाज का विरोध देखने को मिला था भाजपा के जो नेता हैं उनके खिलाफ, अब महिपाल सिंह मकराना का गुजरात में जब सभा थी तो उनका बयान आया है कि भाजपा है जो गायों को काट रही है, 250 करोड़ का चंदा है वह उन्होंने लिया है, 1 लाख से अधिक गाय काटी गई है।
सबसे पहले जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा मात्र कि आज पूरे देश ही नहीं, दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से वो चमक दमक के साथ बढ़ चढ़ करके एक उस पायदान पे पहुंची है, और उसके पीछे लॉजिक सनातन है, जय श्री राम है, इस तरह की चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन बैग में अगर देखा जाए, गर्त में देखा जाए, तो ये चीज़ें जब निकल के आती है तो तब हम जैसे आम आदमी का दिल टूट जाता है। हम ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर कौन सी राजनीति हो रही है और कैसा सनातन धर्म की बातें हो रही है। मैं इन चीज़ों को सिरे से खारिज करना चाहूँगा, और इस तरह का नेतृत्व जो चल रहा है वो हर एक आदमी की आत्मा को आहत करता है। क्योंकि मैं भी जब बाज़ार में निकलता हूँ, गली कूची में जब देखता हूँ, तो गाय को हम सनातन के अंदर गौ माता का दर्जा दिया है, जिसमें 33 कोटि देवता को वास बताया, पूजनी बताया। उसी गाय के नाम पर अगर इस तरह से अगर चंदा लिया जाता है, गाय की जहाँ हत्या होती है, बूचड़काना होता है, वहाँ से अगर आप चंदा ले रहे हो और दूसरी तरफ आप सनातन की बात कर रहे हो, ये कैसे हजम किया जाए और इस बात को हम कैसे समझें कि आप किस वे पे चल रहे हो? तो ये बहुत बड़ा दुखदायी विषय है। दूसरी तरफ हम कहना चाहेंगे कि आज आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, एक आम आदमी अगर स्टाम्प खरीदता है तो उसमें भी उससे गाय के नाम से पैसा वसूला जाता है। तो वो छोटा छोटा जो पैसा है, अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए तो वो लाखों करोड़ों में होगा। तो आप जो वो पैसा वसूल कर रहे हो तो कहीं ना गाय के संरक्षण में ले रहे हो। जब आप गाय के संरक्षण की बात करके पैसा वसूल कर रहे हो तो फिर बूचड़ खानों से पैसा लेने वाली कौन सी ऐसी नौबत आई है जो आप पैसा वसूल कर रहे हो? तो कहीं न कहीं ये अंदर भीतर कुछ न कुछ गड़बड़ है जो हमें समझ से परे लगता है, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बहुत ही गलत बात है। राम मंदिर के नाम पर भाजपा बात करती है, मंदिरों पर हो, धार्मिक मुद्दों हो, उस पर लगातार देखने को मिलता है। गाय के नाम पर भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार कांग्रेस पर कटाक्ष कर चुके हैं, और अब ये बयान। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, राम हर दिल में बसा हुआ है, हर व्यक्ति के मन में मंदिर है जहाँ सबका आस्था का केंद्र है। तो जिस तरह से राम के नाम से राजनीति की जा रही है, दूसरी तरफ जिन चीज़ों को लेके हम लोग संघर्षरत रहे थे, आज राजपूत समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा रहा है इस देश की आज़ादी में कि ये तो कुछ लड़े ही नहीं है, सरकारें तो कुछ लड़ी नहीं है। राजपूत तो 500, 700, हजारों साल से लड़ता आया है, मुगलों से भी लड़ा है, अंग्रेजों से भी लड़ा है, और राजपूत रेजिमेंट भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राजपूत हमेशा आगे रहा है हर लड़ाई में। और जिस तरह से अभी बताया है कि वहाँ जो जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि, वहाँ के राजपूत परिवारों ने चप्पल और पगड़ी छोड़ रखी थी, और आज जब अवसर आया तो उन लोगों को ही दरकिनार कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब राजनीति की जा रही है जो गलत है बिल्कुल ही। आप बताएं क्या सोचते हैं इस बयान पर? मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो पार्टी राम का नाम लेके वोट लेती है और फिर वही गोमांस वाला चंदा ले जीते, तो ये बात गलत है। तो ये थे राजपूत समाज से जुड़े लोग, जिनका कहना है कि जिस तरह से राजनीति होती है, भाजपा जो चुनाव हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, लगातार इस पर राजनीति थी। लेकिन गायों पर जो महिपाल सिंह मकराना का बयान है, वाकई में इनका कहना है कि सही है। एक तरफ जो देखने को मिला है, लगातार सिर्फ राजनीति होती है, चुनाव में हो या फिर वैसे मुद्दे हो या फिर ऐसे दूसरे मुद्दे हो जिन पर सिर्फ राजनीति होती है, बाकी जो बयान है उस बयान के पक्ष में बोलते हुए दिखाई दिए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।